अनन्य चिंतयन्तो माम्। ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। योगक्षेमं वहाम्यहम्। योगक्षेमं वहाम्यहम्। नीलाद्रिनाथं जगतामधीशं चिदहं स्वरूपं शरण्यैकनाथं श्रीनीलगोत्राधिपतिर्वरेण्यं सुरेन्द्रवंद्यं प्रणतोऽस्मि नित्यं। सुरेन्द्रवंद्यं प्रणतोऽस्मि नित्यं। जय जय जगन्नाथ। जय जय जगन्नाथ। जय जय श्री जगन्नाथ। अनाथर नाथ निधनर धन निर्बलर बलकुटि ओडियार मौड़मणिवती पतित उद्धार कारि कोटि कैवल्यदाता विश्व ब्रह्मांडर नायक जगतर नाथ महाप्रभु श्री जगन्नाथ महाप्रभुंकर अभय चरणारविंद जुगल रे अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। हे महाप्रभु आमे किछि जानिनु प्रभु। आमे जानिचु कौन? न जानै मंत्र, न जानै तंत्र, न जानै पूजा विधान, न जाने आह्वान, न जाने ध्यान मुद्रा विधि प्रकरण, न जाने अर्चना, न जाने वंदना, न जाने उपासना। जानई प्रभु मु तुम्भ अनुसरणे क्लेश दूर हुए सिना। आहा कि विचित्र सुंदर कमनीय रूप महाप्रभुंकर। आज बेश श्रृंगार को देखिले जय जगन्नाथ टीवीर सीधा प्रसारण रे जगन्नाथ महाप्रभुंकर अगणित अनंत भक्त माने मोर बापा माँ भाई भोनी माने आदर सहित श्रद्धार सहित जय जगन्नाथ टीवीर आपण दर्शन करुछंती सुंदर भाव रे। परम पावन पुरुषोत्तम क्षेत्र रु टीवी परदारी दुईटी दृश्य आम देखुचे। सिंहद्वार महाप्रभुंकर बड़देऊल बड़दाण्ड आ गोटे पटे पतित पावन नारायण। आहा कि सुंदर आनंद बजार। आनंद बजार को देखिदेले महाप्रभुंकर महाप्रसाद कथा मन पड़ी जाए। ब्रह्म ज्ञानेन मुच्यन्ते जोगिनो वीतकलमशः। ब्रह्म ज्ञानी माने ज्ञान द्वारा जोगी माने कलमश को पाप नाश करिकरी जो पद को प्राप्त हुंती एठी महाप्रभुंकर से महाप्रसाद को सेवन करी अत्र सर्वे विमुच्यन्ते भगवान कहते मत प्रसादानि सेवनात्। एठी से ही पद को प्राप्त हुंती से ही वस्तु को से ही स्थिति को प्राप्त हुंती केवल मो महाप्रसाद सेवन कले। आनंद बजार को आसिक जदि स्नानमंडप उपरकू न उठिकी जदि प्रभुंकर से पीठ को आसन को स्पर्श न करिकी बड़दाण्ड को टिके न देखिबा ताहले कौन भल लगे आज्ञा कहले। देखुना भक्त मैंने आनंद बजार को जा स्नान मंडप केड़ कारण भाव भक्तर जे मो महाप्रभु ये आसती स्नान हूँ महाप्रभु स्नान मंडप श्रीमंदिर भितर अनेक मंडप रही। स्नान मंडप एथपाई स्वतंत्र अनेक मंडप थिले मध्य महाप्रभु ये स्नान मंडप निजे स्वयं आसती स्नान गुंडीचा ए बेनी स्वयं लीला जार ये महाप्रभुंकर पवित्र ये सुंदर भाव आप दर्शन करुछंती जो मार्ग रही मार्ग रे भक्त माने सुंदर भाव परिक्रमा करने ये मार्ग प्रशस्त मार्ग भक्त ये मार्ग जितेबले परिक्रमा करुथंती जाने कानि च पाप आनि जन्म जन्मांतराणि च तानि सर्वाणि नश्यन्ति प्रदक्षिणं पदे पदे। ये क्षेत्र महिमा किए बा निज मुखरे वर्णना करिपार के कह वचन से क्षेत्र महिमा जमन लंघई यार मुकतिर सीमा। अनेक विचित्र कथा एठी आज्ञा आपण माने दर्शन करुछंती जय जगन्नाथ टीवीर सीधा प्रसारण रे पवित्र कार्तिक मास
मोर बापा माँ भाई भी आपण मानी अकिंचन तार हृदय गभीरतम प्रदेश विपुल श्रद्धा भक्ति आपण को सम्मान अर्पण करुच्ची समस्त जगन्नाथ रूप से चिंता करी प्रणाम करुच्ची यू बड़दाण्ड को देखुचे आम ये बड़दाण्ड समस्त आश्रयस्थल कारण महाप्रभुंर ये दाण्ड बड़दाण्ड आक्त मैंने जिते बड़े आसती मैंने महाप्रभु वार्ता दौंती जार कही आश्रय ना मु तार आश्रय भक्त आसिक कहते निराश्रय माम जगदीश रक्ष आम निराश्रय नाथ आपण आम को रक्षा करेंगे आपण न रखिले आम को किए रख आप न रखिले किए रख कहना आपण ही आम को रखिए तुम्हे न रखिले भासिली शुणी हु चिंता महाप्रभु जदि न रखिए आम भासी जीवा तेणु प्रभु कहते जो भक्त सबुक छाड़ी कि मोर पाद को आश्रा करे समस्त कर्म परिहरी जे मोर पादे आश्रा करी ताहारो निर्वाणर भार ताहारो निर्वाहर भार भगवान कहते तार दायित्व तार केमी निर्वाह हम से भार मो कंधे मुझे जाए नित्य लागई ताकू जेते से चिंता कहीं अच्छी तोते ये स्वयं नारायण कहते मैंने भगवान चरण से जी शरण नहीं जाती भगवान समस्त दायित्व निजे वहन कर महाप्रभु ये दयालु भगवान कहते अन्य चिंतयंतो माम जे जनाः परियुपासते तेषां नित्याभियुक्तानं योगक्षेमं वहाम्यहम् कि सुंदर कथा भगवान कहिले भगवान कहते केवल भक्त मोर जदि चरण से शरण नहीं जाए माने भगवान चरण से शरण नहीं जीवा जो माने एकांत भाव में मोर चिंतन करती प्रभु कहते गीतारे एवं मोर सर्वदा सम्मान सह पूजन करती आउ से मानकर योगक्षेम भार मु स्वयं निजे बहन करे जय जादव बरज चंद्रमा जय सर्व कारण विश्वकर्मा नाना रूप अरूप तु ही हौ प्राणी मानंक हिते देह बहु गोरु ब्राह्मण रक्षणे तो जात केही न जाने आदि मध्य अंत सर्व आत्मा रो तु ही आत्मा राम तोर बिहुने नाही कर्मा कर्म महाप्रभु को छाड़देले किसी काम ना ये जगत रे हे महाप्रभु आपण आपण होती सार आपण को भक्त कहते हे महाप्रभु मु किछि जानिनि मु केवल जानी हे कला ठाकुर आपणकर पाद पद्म रे जे आश्रय नहीं से कितने भवसागर से बुड़ी आश्रय कौटी नेवा प्रभुंर पाद पद्म कारण देखत अंतसार विहीना मुपदेशो न जायते मलयाचल संसर्गात न वेणुश्चंदनायते मलयाचल पर्वत जन्मिवा चंदन साथी रहीकि बाउंश सुगंधित हुए ना सेपरी अंतसार शून्य मूर्ख व्यक्ति को जिते उपदेश देले कि लाभ हुए ना कि ज्ञानी सीए प्रभुंर चरण से शरण निए प्रभुंर चरण से शरण नहीं जाए सुंदर भाव महाप्रभुंर दर्शन पतित पावन नारायण दर्शन आज श्रीमंदिर रोहिणी वृष नक्षत्र वंदापना
रोहिणी वृष, रोहिणी नक्षत्र होती महाप्रभुंकर रोहिणी नक्षत्र, महाप्रभुंकर वृष राशि, वृष राशि रोहिणी नक्षत्र महाप्रभुंकर। परम दयालु हरि भगवान जगदीश्वर जगन्नाथ महाप्रभु तंकर आज वंदापना नक्षत्र वंदापना ये नीति श्रीमंदिर रे अनुष्ठित हेबो एवं सुंदर भाव रे आपण देखुछंती महाप्रभुंकर संपूर्ण रूप रे बड़ देवलर दृश्य। हे महाप्रभु समय बीतुची नाटक सरुची शेष दृश्य अच्छी बाकी भूल ठीक केते अभिनय अच्छी जान तुम्हें चका आखि विचार करिव विदाय बेलरे फल देव नहीं जीवी भल मंद जहाँ दे मत आर जन्मे भोगी तेणु हे महाप्रभु आपण सबू देखुंट चका चका आखि कहुए आम चका आखि सब देखुची चंद्र सूर्य विलोचन माने महाप्रभु सब देखुंट सर्वद्रष्टा सब सी ही देखि था आम मन तांकरी चरण रे लगे देवा यद्यपि मन हूँ भारी चंचल आनर मन एत बलवान जे मन को नियंत्रण करवा ये गोटे मान भारी कठिन कथा कारण अर्जुन भगवान को कहते हे प्रभु चंचलम ही मन कृष्ण प्रमाथि बलवदृढ़ तस्याह निग्रह मन्ये वायोरीव सुदुष्करम माने प्रभु पवन को नियंत्रण करी ही जीव हे कृष्ण ये मन हूँ कौन ना भारी अशांत विक्षुब्ध बलवान आ भारी जिदीखोर मन ठार चंचल मन ठार जिदिया आउ कई ना तेणु हे कृष्ण मोर मन हूँ अर्जुन ये कथा कहते प्रभु को प्रभु मोर मन हूँ माने मन को नियंत्रण करवा वायुर गति को नियंत्रण करवा ठार अधिक कष्टकर किंतु से मन केते प्रभुंकर चरण में लग जाते प्रभु चाहिए आम प्रभु को करपत्र जोड़ निवेदन करवा प्रार्थना करवा हे महाप्रभु आपण आम मन को आपण केते कारण गोपी मानंकर मन को चित्त को चोरी नहीं प्रभु आम मन को मध्य चोरी नि चित्त चोर क्षीर चोर दधि चोर लीला रसिक लावण्यशील प्रभु होती लीला रसिक आ भक्त मैंने देखते बड़ दांड को देखुं स्नान मंडप उपर स्नान मंडप उपर बड़ दांडर जो दृश्य अति अपूर्व दृश्य संपूर्ण रूप से बड़ दांडर चित्र दर्शन स्नान मंडप उपर छिड़ा हो आनंद बजार बड़दाण्ड को देखिए आतेजेपरी आपन को लगे आप गोटे पर्वत ढाई नीलाचल पर्वत महाप्रभु केते उच्चरे विराजमान करिछंती श्री नील पर्वतपति नील पर्वतनाथ महाप्रभु विराजमान करिछंती भक्त आज जितेबले पुरुषटी आसी थाए सी कहे महाप्रभु आपण होती मो स्वामी जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भव तुम्हें नारी टीए माँ मैंने जिते बड़े आसी था दर्शन करने हे महाप्रभु जो पुरुष टीए आसे सी कहे स्वामी वृद्ध जड़े आसती सी कहते आपण मो स्वामी जिते बड़े माँ जड़े आसी था सी कहते हे महाप्रभु मु भरोसा कली तो लगा सिंदूर रु मत टिके देवु अह्य सुलक्षणी माँ मते करदेव सुंदर भाव नील चक्र पतित पावन नेत दर्शन लाल रंगर पतका और लाल रंगर पतका ये रज गुणर प्रतीक और नील चक्र उपर लाल रंग हलदिया रंग धला रंग ये पतका लग जाए देखते पवन रेगरे मालातीत पतका को जदि आपण देखिए अनेक पतका छंदी हो जा एवं गुड़ी ही यही चमती एवं ये नीलचक्र पर पताका उड़ुवा समय रे
अनेक समय देखा जाए पताका शून्य गंठी पड़ जाए पताका शून्य गंठी पड़ जाए कहा जाए शून्य गंठी पड़गली ये एक शुभ संवाद एवं से पताका जहाँ प्राप्त हुए से भाग्यवान कारण शून्य गंठी पड़ थो सी पताका समस्त प्राप्त हो पारे ना ब्रह्मांडर आदिमूल निखिल विधाता सकल कलुष हारी हे मंगल दाता तोर मंगल संगीत निखिल भुवन गाए होई विमोहित त्रिलोक भास्कर चंद्र नक्षत्र निकर अंतरिक्षे समीरण संगे जलधर प्रभु भूलोक सागर अतल गहन नदी पशु पक्षी नर ब्रह्मांडर आदिमूल निखिल विधाता मालिक होती जगन्नाथ तेणु हे आनंदमय कोटि भुवन पालक अधम अक्षम मुहि अबोध बाड़क बाल्यकाल जो स्तुति प्रभु को करा जाए एवं से प्रभु से स्तुति रे कौन कह प्रभु को हे महाप्रभु आम अधम अक्षम आपण होती महाबाहु आम बाहू रे आपण शक्ति महाप्रभु शक्ति दे थवारु आम हाथ गोड़ चलुचे आम कर्म करुचे महाबाहु श्री जगन्नाथ ये देह जगत देही होती जगन्नाथ तेणु महाप्रभु महाबाहु 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 पाहि माम महाबाहु 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 रक्ष माम महाबाहु होती जगन्नाथ महाबाहु कहले कौन महाबाहु कारण महाप्रभु को कहते प्रभु आपण हाथ ना पाद ना बोली साधारण लोक कहते ना ना कहते जगन्नाथ पाखक जा जगन्नाथ को देखापी जगन्नाथ महाप्रभुंर हाथ थे पापुली ना साधारण भक्त मान साधारण लोक मान एक कहते कि कौन सत्य कहले अर्जुन कौन दर्शन करते गीतार कहते अनेक बाहु दरवक्त्र नेत्रम पश्यामि त्वाम सर्वतो अनंत रूपम नान्तम न मध्यम न पुनस्तवादिम पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूप अनेक बाहु साधारण लोके कहते जगन्नाथ हाथ ना अर्जुन देखिले अनेक बाहु गणी पारे हाथ गणी पारे अर्जुन अनेक उदर अनेक बदन अनेक नेत्र ये विशिष्ट अनंत रूप अर्जुन देखिकी कह महाप्रभु मु आपण को सबु दिगरे दर्शन करुच्ची आप कौटी ना सर्वव्यापक आप सबु जगार आपण अच्छा जो दृष्टि पड़ुची से आपण जो दृष्टि पड़ुना से आपण अच्छा यहाँ नारायण वहाँ नारायण जहाँ देखो वहाँ नारायण नारायण ये अच्छा नारायण से नारायण जो देख न देख सब स्थान से अच्छा महाप्रभु मुझमे नारायण तुझमे नारायण मो भीतर नारायण अच्छा तुम भीतर नारायण अच्छा सब में नारायण 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 समस्तंक भीतर नारायण अच्छा सब में नारायण 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 कौटि नहांती से प्रभु अर्जुन कहले प्रभु मु आपण को सर्व दिगरे दर्शन करुच्ची
नाम तम न मध्यम न पुनस्तवादिं पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूप पश्यामि त्वां सर्वतो अनंत रूपम। हे विश्वरूप अर्जुन जेतेबेले विश्वरूप दर्शन करिछन्दि महाप्रभुंकर अर्जुन प्रभुंकर देखिले अनेक हाथ अनेक उदर अनेक बदन अनेक नेत्र अनंत रूप को देखिकरी अर्जुन बोले आरंभ कौटी शेष कौटी जो ब्रह्मा आरंभ शेष पाई आदि अंत पाई ब्रह्मा निगम नेति शिव अंत न पावा निगम नेति शिव अंत न पावा। सेठी अर्जुन कौन बा पाइबे अर्जुन कहले महाप्रभु हे हे विश्वेश्वर ठाकुर हे विश्वरूप मु सब देखुची किंतु प्रभु आपणकर आदि अंत किंबा मध्य किछि देखि पारु नाही आरंभ कौठी शेष कौठी मध्य कौठी मु किछि देखि पारु नी हे महाप्रभु। अर्जुन ये कथा कहिले कारण संसार रे जेते नाम रहिचि सबु नाम कहार सबु नाम होची महाप्रभुंकर जेते नाम तांकर सहस्र नाम अछि सत्य किंतु तांकर वेद किछि नाम कहिछंति मुनि ऋषि मान किछि नाम कहि देइछंति किंतु प्रभुंकर संसार रे जेते नाम सबु प्रभुंकर संसार रे जहां देखुचे जेते रूप हे प्रभु सबु आपणकर रूप आपण होछंति अरूप आपण स्वरूप आपण सर्वरूप आपण विश्वरूप आपण देवरूप आपणकर हातपाद नाही किंतु समस्तंकर हातपाद मध्यरे आपण ही निजे क्रियाशील होकरी सबु कर्म करूछंति किंतु ये कथा को उपलब्धि करूची किए आपण महाबाहु ठाकुर आपण महाबाहु विजय दारु ब्रह्म रूपे श्रीक्षेत्रे श्रीहरि कोटि भक्त जनंकर दुख कुसे हरि गति मुक्तिदाता तुमे प्रभु जगन्नाथ भक्त को देखाओ तुम्हे विपदे सुपथ हर दुखी दुख प्रभु हे पंकज मुख भक्ति रे जे डाकी थाए दियो प्रभु सुख तुम्हें भाव विनोदिया आहे बंशीधर तुम लीला देखु अछि ए सारा संसार आपण होछंती सुख प्रदान करुछंती महाप्रभु समस्तंकु समस्तंकु आपण ही सुख दियंती दुख आमे आमर कर्म जोगु भोग करिथाउ महाप्रभु कारण काउन कौकर सुख दुख दाता निज कृत कर्म भोग सब भ्राता आउ जो माने प्रभुंकर भक्त से मानंकर लक्षण कौन विष्णु भक्त जनंकर जगते नाही निज पर जो माने महाप्रभुंकर भक्त से मानंकर कई निजर नुह कि कई पर नुह जे भजे जानी विष्णु माया से हरि करे ताकू दया सकल देहे नारायण अछंति एहा दृढ़े जान जो माने महाप्रभुंकर भक्त से प्रभुंकु प्रत्येक स्थान रे दर्शन करंती उपलब्धि करंती आ भक्त टे जेतेबेले क्षेत्र को पळे आसे पुरी आसिकी पहुंची जाए से चिंता करे महाप्रभु मत टे आपण कृपा करंते जदि मो टे पुरुषोत्तम क्षेत्र रे बास मिलंता देखंतु जणे मां आसिछंती दर्शन करिवा पई जे की पादरे चलिवा पई सक्षम नहंती तथापि प्रभु को बिना के बा रही पारिबो हे महाप्रभु सिंहद्वार थार जेतेबेले आसिकी पहुंची गले देखंतु एठी कारण जेहेतु वयस अधिक आसिले एक जान द्वारा
କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଓହ୍ଲେଇ ପଡ଼ିଲେ ଏଠି ପାଦରେ, କାରଣ ଏଠୁ ଆଉ ତା ଦେହରେ ଯିବେ ନାହିଁ। ଆଉ ସିଂହଦ୍ୱାର ଯେତେବେଳେ ଭକ୍ତ ପହଞ୍ଚି ଯାଆନ୍ତି, ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଆନ୍ତି, କ'ଣ ବିଚାର କରନ୍ତି? ଯେତେବେଳେ ଶାଲବେଗ ଆସିକରି ପହଞ୍ଚିଲେ, କହିଲେ ଶ୍ରୀ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ରହଣି କରିବା, ଖାଇବା ଛଡ଼ା ତୁଳସୀ, କହେ ଶାଲବେଗ ସିଂହଦ୍ୱାର ଠାରେ ହୋଇଥିବା କ୍ଷେତ୍ରବାସୀ, ସେ ଯେ ଆରତ ତ୍ରାଣ କାଳ ଗଜକୁ ସିଂହ ପ୍ରୟାଣ, ସେ ଯେ ଆରତ ତ୍ରାଣ ଚାଲ ଚାଲ ପଶିବା ଶରଣ, ସେ ଯେ ଆରତ ତ୍ରାଣ। ଭକ୍ତ ପଳେଇ ଆସନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଶରଣକୁ, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଶରଣକୁ ପଳେଇ ଆସିଲେ ଆଉ କ'ଣ ଭୟ ରହେ? ଆଉ ଭୟ ରହେ ନାହିଁ, ସବୁ ଭୟକୁ ମହାପ୍ରଭୁ ଦୂର କରିଦିଅନ୍ତି, ମହାପ୍ରଭୁ ହରଣ କରିଦିଅନ୍ତି। ଯାହାଙ୍କର କାଳ ଗଜକୁ ସିଂହ ପ୍ରୟାଣ, ଜଗତି ଜଗତରେ ଜିମୁତ ଭେଦ କରେ, ଜାଗ୍ରତ ଜୈତ୍ର ଯା ବିମଳ, ଜଗତ ନାଥ ବୋଲି ଜଗତ ଯା କହୁରି, ଜେତ୍ରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବଳ, ହେ ନୀଳାଦ୍ରିଶ ଜାତୀୟ ଜାତି ସର୍ବ ଜନ, ଜଙ୍ଗମ ମାତ୍ରେ ସମଜ୍ଞାନ। ହେ ନୀଳାଦ୍ରିଶ, ଇଏ ଯେଉଁ ଗଗନଚୁମ୍ବୀ ଜଗତି କହିଲେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର, ଏ ଯେଉଁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଶ୍ରୀବତ୍ସ ଖଣ୍ଡଶାଳ ନାମକ ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରାସାଦ ପ୍ରଭୁଙ୍କର, ସେ ଜଗତରେ ଜଗତରେ ଜୈତ ଯେ ବିମଳ ବିଜୟ ଘୋଷଣା କରୁଛନ୍ତି, ଜଗତରେ ଜଗନ୍ନାଥ ନାମରେ ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ହେଉଛନ୍ତି କିଏ ନା? ଆପଣ ବିଷ୍ଣୁମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଅଟନ୍ତି। ଆଉ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ଏଠି ଜାତି ଅଜାତି ସମସ୍ତ ଜୀବମାତ୍ର ଆପଣଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ସମାନ। ଆଉ ଜଗତରେ ଆପଣଙ୍କର କୈବଲ୍ୟ ମାନେ ମହାପ୍ରସାଦ ଭୋଗ ଏ ଜଗତେଶ୍ୱରଙ୍କର ବିଭବ ରୂପରେ ଖ୍ୟାତ। ଆପଣ ଜାଣି ଜାଣିକିରି ମହାପ୍ରଭୁ ଇଏ ହୀନ ଜନରେ ସ୍ୱପସ ପାପୀମାନଙ୍କୁ ତ୍ରାଣ କରନ୍ତି। ଅଭିଚେତ ସୁଦୂରାଚାର ସାଧବେ ସମନ୍ତବ୍ୟ, ତେଣୁ ହେ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗ ଜଗ ଜଗତ ଜିଣା ଭୋଗ ଜଗଦୀଶ ବିଭବ, ଜାଣିତରନ୍ତି ହୀନ ଜନ ହେ ନୀଳାଦ୍ରିଶ। ହେ ମହାପ୍ରଭୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସିଂହଦ୍ୱାରରୁ ଦର୍ଶନ ଆମେମାନେ କରୁଛେ। ତେଣୁ ଜ୍ଞାନ ଭକ୍ତି ବୈରାଗ୍ୟ କେତେବେଳେ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ? ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ କୃପା କରିବେ। କାରଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଠାକୁର ଅଭିରାମ ପରମହଂସଙ୍କର ସୁନ୍ଦର କଥା କହିଲେ, କହିଲେ କୁଢ଼ କୁଢ଼ କରି ପଢ଼ିବ ପୁରାଣ, ନ ଖୋଜିବ ଯଦି କାହିଁ ମୋ ପରାଣ, ଗୁଡ଼ କହିଲେ କି ତୁଣ୍ଡ ହେବ ମିଠା, ବାଜି ନାହିଁ ଯାକୁ ଗୁରୁଙ୍କ ଗୋଇଠା। ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଦର୍ଶନ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ, ମାନେ ଯେଉଁ ଭକ୍ତ ତାଙ୍କର ଶରଣକୁ ପଳେଇ ଆସନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦିଅନ୍ତି। ଭକ୍ତ ବତ୍ସଳ, ଭକ୍ତ ପାଇଁ ଚାହିଁକିରି ବସିଛନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁ, ମୋ ଭକ୍ତ ଆସିଲେ ମୁଁ କ'ଣ ତାକୁ ଦେବି? ଆଉ ଭକ୍ତ ଚିନ୍ତା କରେ ମୋ ମହାପ୍ରଭୁ ମୋତେ ସବୁ ଦେଇଛନ୍ତି, ମୁଁ କ'ଣ ତାଙ୍କୁ ମାଗିବି? ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ ମାଗିବି? ସେ ତ ସବୁ ଦେଇଦେଇଛନ୍ତି ମୋ ପ୍ରଭୁ ମୋତେ, ଆଉ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ ମାଗିବି? ତେଣୁ ଦେଖିବେ ହରି ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଭକ୍ତ, ହରି ଭକତ ଯେତେନର ଭଙ୍ଗା ଦଦରା ତାଙ୍କ ଘର, ଯିଏ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଭକ୍ତ। ଏଇ ଭାବ ଭକ୍ତମାନେ ପୁନଃ ଆସୁଛନ୍ତି ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ। ଯେତେବେଳେ ଭକ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବ୍ୟାକୁଳ ଦୌଡ଼ୁଛନ୍ତି ଭକ୍ତ, ଆଉ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ନାହିଁ,
कारण हे प्रभु आपण को पूरा देखिबु आमे आउ आमर धैर्य कुआडू रहिबो। जीव व्याकुल प्रभु को दर्शन करिबा पई पंच महाभूतर शरीर क्षिति जल पावक गगन समीरा पंच रचित अति अधम शरीरा इ शरीर जीव जितेबले परमंक पाखक पहुँचि जाए परमात्मा दर्शन पाई जाए आज से ही भाव देखु आज आसी चल सखी आंभे दर्शन करवा नीलगिरी कालिया को क्यों सुरपति बेश करी गिरीवर तोलिया को सेजे श्रीमुख तोरा सिरे सुना सुता किरा किरा सेजे श्रीमुख तोरा। भक्त मैंने जिते आसिक पहुँची आँच महाप्रभु पाखे सिंह द्वार पतित पावन नारायण दर्शन आग हो अरुण स्तंभ चकड़ारे सिंहद्वार गुमुटर सम्मुख भाग जिते ढड़ा ही जा भक्त देखुना हाथ केते हाथ ऊपर को उठू महाबाहू पाखक आसी बाहू को तोली जिते महाबाहू चरण से शरण नहीं जावा जन्म मृत्यु चक्र मुक्त हो जावा। अर्जुन दर्शन कले विश्वरूप महाप्रभुंकर देखुं सिंहद्वार केते भिड़ केते कम समय भितर भिड़ हो गला सबु भिड़ सबु द्वारे भिड़ एठी नीत भिड़ महाप्रभुंकर दर्शन करिबा पई महाबाहुंकर दर्शन करिबा पई हे महाप्रभु महाबाहु कहिले मोर बापा मा भाई भणी माने महाबाहु कहिले आमे कौन बुझिबा महाबाहु कहिले आमे माने बुझुजे बड़ बड़ हाथ थिले महाबाहु आउ किछ लोक माने कहंती जे बड़ पेट बड़ आखि बड़ दांड बड़ देउळ बड़ हाथ इतिबे महाबाहु बाहु शब्दर कौन अर्थ ना बहन करिबा प्रकृतरे चिंता कले किए प्रकृतरे किए बहन करिबा को समर्थ कहा पाखरे सब शक्ति अच्छी जे बहन करिवो प्रभु बहन करचुंदे कारण समग्र जगत होची तांकर सृष्टि नाम तांकर जगन्नाथ ए जगत को पालन करुछंति आपण प्रभु आपण ही सब किछि हे जगन्नाथ ये अस्थि मांसर बाहु बहन करिबा को कि समर्थ मणिमा ये हाड़ मांसर रक्तर शरीर आमर जो हाथ ये कौन बहन करिबा को समर्थ आमे माने बेले बेले चिंता करू आमर अधिक बल अछि आमे दुर्बल उपर अत्याचार करिबू बा शरीरर बल केही केही शरीरर बल को नहीं कि अभिमान करथांती गर्व करथांती किंतु मोहम उद्गर जगतगुरु आदि शंकराचार्य कड़े सुंदर कथा कहले कहले न कुरु धनजन यौवन गर्वम हरति निमेषात कालात सर्वम कालर कराल गति रे काल निमिषेक मध्य हरण करदेव काल बल आगे कही नुह दैवी बल आगे कहार बल काम देव ना दैवी बल दुर्बलम रावण कौन कहला रावण कौन अभाव था कि विश्रवानंदन रावण आई रावण देखु कड़े शक्तिशाली से भली शक्तिशाली होकर रावण पाखे कौन ना कहूना रावण पाखे सबकि किंतु कौन ना रावण पाखे सबकिा रावण कि अभाव नाला इत शक्तिशाली महाज्ञानी होकर रावण कौन कहला रावण कहला मु दैवी बल दुर्बल कारण सुनार लंका जहार घर से रावण देखु निमिषेक मध्य रावण कौन है जातम ब्रह्म कुले गजाधन गजधनपति जा कुंभकर्णानुजम माने कुंभकर्ण भाया भाई ब्राह्मण कुल जन्म गजधनपति माने जहार पाचेरी गुड़ाक सुना काम होरा नीला कनक कोट विचित्र मणिकृत सुंदरायतना घना चौहट्ट हट्ट सुभट विंथी चारुपुर बहु विधि वना रावण पाखे कौन कि अभाव था सबूला
पुत्र शक्रादित्य स्वयं दशशिर माने इंद्रजीत जार पुत्र इंद्र को विजय करिछि निजे पुणी दशशिर पूर्णार भुजबिन शक्ति कोड़िया हाथ रावण दैत्य कामचरे रथाश्रु विजयी तारे मध्य समुद्र गृहे इतक थाई रावण कौन कहिला हे सर्वनिष्फलम ततैत बलिनम दैव बले दुर्बले दैव बल आगे कहार किसी काम देना हरति निमेषात कालात सर्वम केड़े केड़े रथी महारथी बलशाली समस्ते जाइछन्ति आमे भी दिने ना दिने जीवा किंतु जेतिक दिन रहिबा प्रभुंकर भक्ति करिबा सुखरे रखिबू अबा दुखरे रखिबू सुखरे रखिबू अबा दुखरे रखिबू हेले मते कालिया तो पाखरे रखिबू हेले मते कालिया तो पाखरे रखिबू इतिकी महाप्रभु को कहिबा हे महाप्रभु आमको पाखरे आपण रखंतु तेणु आम हाथ अस्थि मांस हाड़ मांसर ये जो बाहु ये बहन करिबा को समर्थ नुह महाप्रभु ही सब बहन करुछंति ये देह भीतरे देही होउछंति जगन्नाथ जी नित्य विराजित से महाप्रभु आत्मा रूप रे रहिछंति आउ ये बहिर्जगत रे सब किछि तांकर इच्छा रे चालीछि आहा महाप्रभुंकर सुंदर चकाचका आखि को दर्शन करंतु श्वेत पद्म आखि देखिले गो सखी चित्त की बाहुड़े आउ कर्ण रे कुंडल दिसे झलमल कौस्तुभ दाऊ दाऊ से जे हिया वृषाल मिसा मिसी बारानिधि फल से जे हिया वृषाल मिसा मिसी बारानिधि फल देखुनाहांति भावर सहित भक्त स्नान मंडप पर भिड़ केते बेले कमुनि स्नान मंडप पर आपण देखिबे सातटा पहाच साते पहाच एवं एठी पावच्छर अनेक महिमा रहिछि कौटी केते पहाच श्रीमंदिर रे श्रीमंदिर भितर को आपण जे 22 टी पहाच 22 द्वाविंश पहाच बोली कह जाय आउ 22 पहाच आउ कौटी अछि श्रीमंदिर भितर सिंहद्वार जितेबेला आपण जाउछन्ति एठी 22 पहाच रहिछन्ति ईशानेश्वर महादेव ईशानेश्वरंकर जेतेबेले गर्भगृह को आपण जिबे पाताल को सेठी मध्य 22 पहाच पावच्छर अनेक महिमा रहिछि ए क्षेत्र रे बड़छता मठ सुंदर भाव रे आपण देखुछन्ति तो किए वहन करिवे ना महाप्रभु वहन करिवे आ ये बहिर्जगत रे जहां होउछि सब तांकर इच्छा रहउछि सेपरि देह मध्य रे से ही श्वास प्रश्वास रो कारण अटंती महाप्रभु आहा बड़दांड ये सिंहद्वार सम्मुख दोलमंडप साही जो मार्ग रही से मार्ग आपण देखुछन्ति भक्त माने जिए जिबे टिके चाहि देबे कारण पतित पावन किछि न देखिले पतित पावन को दर्शन हो जीवो ई भाव रे पतित पावन को दर्शन मध्य अनेक भक्त करुछन्ति तो हे महाप्रभु आपणंकर बिना ए देह देवालय श्रीहीन जड़ हो जाए आउ ये देह आपणंक द्वारा ही क्रियाशील आउ ये देहर भार आपण ही बहन करिछंति आउ ये देह भितरे आपण ही समस्त कर्म करुछंति कराउछंति आउ आपण ये देह भितर होउछंति विदेही सत्ता भागवत रे कौन कहिले कहले नमस्ते प्रभु जगन्नाथ जार शरीर ए जगत तू नारायण ऋषि रूपी महापुरुष विश्वव्यापी तेणु जहा हूँ महाप्रभु सब ही करुछंति हे महाप्रभु हे विश्वरूप विश्वत चक्षुर्त विश्वतो मुखो विश्वतो बाहुर्त विश्वस्तस्पाद
संबाहुभ्यां धमती संपद तत्रैर द्यावा भूमि जनयन देव एक श्वेता श्वेत रूप निषद कौचंती। माने जिते आखि जिते मुख जिते हाथ जिते चरण सब आपणकर महाप्रभु आउ जे मनुष्य मानंकु बाहु संयुक्त करंती मनुष्य और पक्षीगणंकु पद एवं पक्ष संयुक्त करिथांती ये भूलोक एवं द्युलोक सृष्टि करी से तहिरा द्वितीय प्रकाश रूप रे विराजित अछंती महाप्रभु। तेणु हे महाबाहु श्री जगन्नाथ आपणकर अभय बरद हस्त द्वारा मानव माने निज जीवन को परिवर्तन करी पारिवे प्रभु। तेणु आपणकर ही उपासना आपणकर ही ध्यान करिबा समय रे सर्वांग रे सेई महाप्रभुंकर हस्तस्पर्श दिव्य भगवत स्पंदन उपलब्धि करिबा ये जोगीमानंकर लक्षण आज्ञा। रोषशाला देखुछंती आपण ये विश्व प्रसिद्ध भोजनालय एपरि गोटे व्यवस्था केते चाउल रंधा होउची ता भितरे आउ जगतरे कोठी अछि एठी रोसई हबो जीव भोग महाप्रभु हेला परे महाप्रसाद सी आसिकरी आनंद बाजार रे अग्निकोण रे रोषशाला ईशान्य कोण रे आनंद बाजार महाप्रभुंकर कोठी कोण रहिबो श्रीमंदिर रो चारि कोण को आपण देखिबे अग्निकोण रे रोषशाला आपण देखुचंती विश्वर सर्वबृहत रोषशाला पुणी एपटे ईशान्य कोण रे आनंद बाजार नैऋत कोण रे आपण देखिबे उपवन वायु कोण रे महाप्रभुंकर कोइली वैकुंठ श्रीमंदिर रो चारि कोण को देखिबे ई चारि कोण रे मध्य स्वतंत्रता रहिछि एपटे आपण देखुछन्ती ईशान्य कोण सुंदर भाव रे भक्त माने दर्शन पाई मध्य धाड़ी रे छिड़ा हिचंती एपटे राधा वल्लभ मठ चूड़ा देश को आपण देखुं मंदिर शीर्ष देश को संपूर्ण भाव महाप्रभुंकर क्षेत्र परम मंगलमय क्षेत्र आ पुरुषोत्तम भगवान ये विराजमान करिछंती परब्रह्मंक पाख को आसिछंती तेणु भगवान को दर्शन करिबे एपटे तोरण लक्ष्मींकर दर्शन तोरण लक्ष्मी ये मांकर मंदिर मांकर क्षेत्र ये सेतिपई श्री मंदिर रे कौन लगिला प्रथम रु श्री ये लक्ष्मींकर मंदिर महाप्रभु ये विराजमान करिछन्ती श्री मंदिर कहिवार अर्थ कौन कारण विश्व रे जेते मंदिर रहिछि श्री माने कोनोसी मंदिर को देखिबे श्री मंदिर बोली कह जाउथवार गोटे दृष्टांत नाही केवल जगन्नाथ महाप्रभुंकर मंदिर केवल पुरी रे ये हला श्री मंदिर तनु श्री ये री शक्तिर प्रतीक आ महाप्रभुंकर ये विशाल बड़देवल रे एठी सर्व सर्व ऐश्वर्य विद्यमान कौन नाही महाप्रभुंकर महाप्रभुंकर कौन नाही कहुनांदी केड़े बड़ ठाकुर केड़े बड़ देउल केते सेवक नीति सेवा करुछंती महाप्रभुंकर तेणु ये हला श्री मंदिर प्रत्येक दिन नुआ नुआ माने मंदिर तोला चली दिनकु दिन प्रत्येक धर्म माने धर्मर उपासना पीठ वृद्धि पाउछि किंतु ये श्री मंदिर परी एते चारु अपरूप विभव संपन्न मंदिर आउ कोठी देखि नथिबे आज्ञा ना भूतो न भविष्यति ई केवल परम पावन पुरुषोत्तम क्षेत्र रे श्री मंदिर रो श्री मंदिर होची अनन्य नील पर्वत ऊपर नील कंदर रे
महाप्रभु विराजमान करिछन्ति बसी छ ठाकुरे गंभीरा भीतरे रतन बेदीरे नील कंदर रे चर्म बेढ़ीची सिना चौरासी की चित्त तू दियो नीलगिरीवासी की छुईबे नहीं तोते बुलीबे मोड़ा छ खंडी काठ हेब तो पाई लोड़ा। 84 लक्ष जोनि भीतर मनुष्य जन्म भगवान आमको देइछंती। ये मनुष्य शरीर मध्य निज अंगुली रे 84 अंगुली परिमित बोली जोगीगण माने मत प्रकाश करिछंती। आउ ये जो 84 अंगुली विशिष्ट देह शरीर ये श्रीमंदिर मध्य रे आत्मा रूपी प्रभु श्री जगन्नाथ महाप्रभु विराजमान करिछंती। आम शरीर को मध्य आमे देउळ कर देवा आत्मा रूपी जगन्नाथ तो विराजमान करिछंती आम शरीर मध्य आज्ञा श्रीमंदिर तेणु देखंतु केते भक्त नीति दर्शन लागि जाउछंती केते भक्त नीति दर्शन करि फेरुछंती आ दर्शन करिकि जो भक्त माने फेरुछंती आनंदित हो जाउछंती कारण महाप्रभुंकर दर्शन पै आसीछंती सबु हबो जदि दर्शनटा न हबो भलो लागिबो भलो लागिबो ना कारण क्षेत्र को आसिक मालिकों दर्शन आम न करवा कि लाभ आसिक आग भक्त दर्शन को प्रथम प्राधान्य दे था कारण यह क्षेत्र कारण तांकर दर्शन करदे खंडनाथ सर्वदुखानाम अखंडानंद दानतः स्वभाव दारु रूपम ही परब्रह्म विधीयते सबु दुखर खंडन पूर्वक अखंड आनंदर जी होती दाता जगन्नाथ महाप्रभु माने साक्षात परब्रह्म ही स्वभावतः दारु रूप अटंती परब्रह्म निजे दारु रूप रे विराजमान करिकि लीला करुछंती तेणु महाप्रभु स्वभावदार रूपम ही परब्रह्म विधीयते सब दुख को हरण करुछंती तो भरोसा करियासंती दूर देशु प्राणी आरत भंजन दिन बंधु नाम सुनी आरत भंजन दीनबंधु नाम शुणिकी आसी भक्त तत्रापि लोकरक्षार्थम जो अवतार कृतः पुरा तेणु महाप्रभु लोकहित निमंते जगत मंगल निमंते विराजमान करी लीला करुछंती अति सुंदर भाव रे महाप्रभुंकर मेघनाद प्राचीर को आपण देखंतु ये महाप्रभुंकर मेघनाद प्राचीर एवं स्नान मंडप आपण दर्शन करुछंती अनेक थर दर्शन कलेनी स्नान मंडपर दृश्य किंतु एठी महाप्रभुंकर सुंदर भाव रे आमे देखुचे स्नान मंडप को आसिक प्रत्येक भक्त माने आगो माने स्पर्श करिकिरी मंडप को प्रणाम करुछन्ती महाप्रभुंकर पीठ को चकासन को बैठक एवं सुंदर भाव रे महाप्रभुंकर दर्शन चली एवं अनेक मंडप मध्य आम देखुचे छोट बड़ मंडप श्रीमंदिर भितर एवं महाप्रभुंकर सिंहद्वार अरुणस्तंभर दृश्य आम दर्शन करुच तो आज नक्षत्र वंदापना नक्षत्र महाप्रभुंकर अनेक नीतिकांति रही अनेक नीतिकांति मध्य भितर श्री जगन्नाथ मंदिर भितर पालित तो विभिन्न नीति मध्य मुख्यतः नीति गुड़ को चारि भाग विभक्त कर तन्मध्यरे
दैनिक नीति माने जो गुड़क दैनंदिन हवा कथा सामयिक नीति सामयिक नीति कहले देखु गुरुवार पड़ी गुरुवार माजणा एकांत नक्षत्र बंदापना ये सामयिक नीति एवं जानी यात्रा तथा उत्सवादी नीति ये तीन आ चतुर्थ रहा गुप्त नीति श्रीमंदिर नीति को मुख्यतः चारि भाग में विभक्त करपरी जो नक्षत्र बंदापना ये नक्षत्र बंदापना सामयिक नीति अटे एवं नक्षत्र बंदापन कौन हुए ना महाप्रभुं जेहेतु नीतिर एटि स्वतंत्रता रही एवं प्रत्येह पालित अवकाश समय रे महाप्रभु तांकर माने मुख्य ठाकुरंकर नक्षत्र तिथि बा जो दिन पड़ी थाए ज्योतिष सेवक प्रत्येक दिन पांजी पढ़ी शुणे थांती महाप्रभु को एवं बड़ ठाकुरंकर मकर राशि श्रवणा नक्षत्र महाप्रभुंकर रोहिणी वृष राशि रोहिणी नक्षत्र देवी सुभद्रांकर ज्येष्ठा नक्षत्र विछा राशि जो दिन जो ठाकुरंकर जन्म नक्षत्र पड़े से दिन नक्षत्र बंदापना नीति अनुष्ठित होता है। आठ गोटे कथा कौन जानवर अच्छी जगन्नाथ बलभद्रंकर जन्म नक्षत्र जो दिन पड़े से दिन ठाकुर को दुई थर लेखाए बंदापना करतु जो सुभद्रांकर जन्म नक्षत्र पड़ी थाए समस्त गोटे लेखाएं बंदापना करपर्वजात्रा जोगाणिया एक सरा कोरा जोगे था उक्त दिन माने सका धूप पर महाप्रभुंकर जो बेश मईलम होकर जगन्नाथ महाप्रभुंकर बाड़े गोटे खंडी आज्ञामा लगी हुई थाए मध्यान धूप उठिले श्री मदन मोहन को दक्षिण घर महाजन कहले पुष्पालक सेवक मान भर को विजय कर धूप सरवापर पूजा पंडा सामंत महाभाग पति महापत्र महाभाग एवं मुदिरस्थ कर्पूरालित वंदापना तीन ठाकुर को करी था तेणु इठी बड़ बड़ ठाकुर वाड़े मुदिरस्थ सुभद्रा वाड़े पति महापत्र एवं जगन्नाथ महाप्रभु वाड़े पूजा पंडा सेवक आलती वंदापना करी था तेणु नक्षत्र वंदापना ये मध्य महाप्रभुंकर नीति सामयिक नीति बोली जहाँ को कह जाए श्रीमंदिर भितर अनेक नीति अनुष्ठित हुए एवं विशेष करी महाप्रभुंकर ये नीति महाप्रभुंकर प्रिय सेवक माने ही संपादन करी थांती समस्त नीति महाप्रभुंकर प्रिय सेवक मानंक द्वारा संपादित होई थाए तेणु समस्त नीति विषय रे ये सेवक मानंकर धारणा निश्चित भाव कारण से माने नीति को संपादन करी था सुंदर भाव रे नीलचक्र पतित पावन नेत दर्शन करुचे श्रीमंदिर चूड़ादेश रामानंद तिलक चिता आम दर्शन करुचे मोर बापा माँ भाई भणी माने पवित्र कार्तिक मास ये कार्तिक मास रे श्रीक्षेत्र प्रत्येक दिन देखंतु प्रातः काल रे हविशाली व्रती माँ मानंकर द्वारा जो प्रातः काल रे चौरा पूजा करा जाए एवं संध्यार आकाश दीप उठिवार सीधा प्रसारण दर्शन करंतु केवल जय जगन्नाथ टीवी रे एवं पवित्र कार्तिक मास उपलक्षे प्रत्येक दिन राति आठटारे सिंहद्वार सम्मुखरु सीधा प्रसारण रे विज्ञ प्रवचक मानंक ठारु आमे सुनुचे कार्तिक महात्म्य पुराण कथा निश्चित भाव रे कार्तिक मास रे कार्तिक महात्म्य श्रवण कले अनंत गुण रे पुण्य फल प्राप्ति होइथाय एवं आजि श्रीमंदिर रे रोहिणी वृष नक्षत्र वंदापना कि सुंदर भाव में घरे बसी निज टीवी परदारे पुरी रु प्रत्येक दिन महाप्रभु श्री जगन्नाथ महाप्रभुंकर पतित पावन नारायणंकर दर्शन सह माँ बाटमंगलंकर दर्शन विभिन्न तीर्थ दर्शन एवं महोदधिया आलती दर्शन पुणी महाप्रभुंकर वर्ष सारा होता समस्त बाहर दिव्य लीलार सीधा प्रसारण देखते केवल जय जगन्नाथ टीवी रे जय जगन्नाथ टीवी होची सिद्धार्थ टीवी नेटवर्क रे चतुर्थ चैनल महाप्रभु को संपूर्ण रूप से समर्पित महाप्रभु को दर्शन करुचे समय आसी उपस्थित होलाणी अकिंचन वाणी को विराम देव कथा श्रवण करुले आसतु भावपूर्ण भजन श्रवण करवा महाप्रभुंकर दर्शन करवा कंठदान कर महाप्रभुंकर स्वर सेविका सुनाम धन्य सु गायिका श्रीमती नमिता गुराल मैम भावपूर्ण कंठरू जय जय जगन्नाथ जय जय जगन्नाथ जय जय श्री जगन्नाथ।